चलो ठीक है, हम अपना स्टार्ट करते हैं। सब फाइलम यूग्लेनिडिया, ठीक है। इससे पहले वाले जो हम कर चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रीकैप दे देती हूँ तुम्हें। हमें इसमें तीन ग्रुप पढ़ने थे, एक्सक्वेटा, एस ए आर क्लैड, यूनिकोंटा, ठीक है। इन तीन ग्रुप में हमने एक्सक्वेटा स्टार्ट करा था। एक्सक्वेटा के अंदर हम फर्दर पढ़ रहे थे उसके जो फाइलम है, डिप्लोमोनेडा, देन पैराबिसेला। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल ले लिया था गिराडिया इंटेस्टाइनलिस का और ट्राइकोमोनास वेजाइलिस का। आई थिंक जब इससे पहले, ये तो फिर भी रिवीजन चल रहा है, इससे पहले जब मैंने ये यूनिट तुम्हें बहुत अच्छे से करवाई थी, उस टाइम पे भी मैंने तुम्हें ये बात बोली थी कि इनके अंदर जो ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कि जैसे ट्राइकोमोनास वेजाइलिस है या फिर जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ट्राइकोनिम्फा है, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के डिजीज कोज करते हैं। तो तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए कि इसमें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने कौन सी डिजीज कोज करी थी। और एटलीस्ट तुम्हें हर एक फाइलम का एक एक या दो दो एग्जाम्पल तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें तुम उस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिख रहे हो, बट उसके साथ साथ एटलीस्ट तुम्हें एक एक एग्जाम्पल तो लिखना ही है जिससे कि तुम्हारे स्कोर काफी अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद हमने यूग्लिनोजोआ देखा था, देन फर्दर यूग्लिनोजोआ के जो थे वो दो सब फाइलम से, फाइलम के सब फाइलम थे, दैट इज काइनोप्लास्टा एंड ट्राइकोसोमेंटीडिया, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस का जो, और दूसरा जो है वो लेस्मानिया का, ठीक है। जो लेस्मानिया है वो काला अजर कोज करता है जो कि एक फीटल डिजीज है, और जो ट्राइपैनोसोमिया गैम्बियंस है वो स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूग्लिनीडिया। यूग्लिनीडिया जो होता है उसके अंदर पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने पहले भी देखा था, जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होगी कुछ इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली तुम सिर्फ इतना समझ सकते हो कि इस तरह से कुछ एक लाइनिंग है जो कि उसके पेलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो उसका पेलिकल है उसको वो थोड़ा हार्ड बना देता है, स्टिफन बना देता है, सो दैट कि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। अब उसके बाद सब फाइलम के अंडर आती है क्लास। क्लासिफिकेशन में जैसे हमने देखा है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास। अब यूग्लिनीडिया की जो क्लास है वो है यूग्लिनोइडिया। इसके पास क्या होता है, इसके पास एक पॉकेट होती है, ठीक है, जिसके अंदर से, मतलब इसके वन एंड पे एक पॉकेट है, उसके अंदर से दो फ्लैजिल अराइज होते हैं, वन इज स्मॉल एंड अदर इज लार्ज, ठीक है। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। जो मोस्टली जो यूग्लिनोइडिया होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। बहुत सारे जो बाकी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो कि मिक्सोट्रॉफ्स होते हैं। मिक्सोट्रॉफ होने का मतलब क्या है कि वो ऑटोट्रॉफ भी है उनके अंदर, उन्हीं के अंदर हिटरोट्रॉफ्स भी हैं, ठीक है। कुछ के पास एबिलिटी है कि वो खुद का खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके, और कुछ ऐसे हैं जो कि हिटरोट्रॉफ से वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे। दे हैव क्लोरोप्लास्ट बी। अब वो फोटोसिंथेटिक है क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट बी प्रेजेंट है, एंड दीज क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाई ए डबल मेम्ब्रेन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल, बिकम हिटरोट्रॉफिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अब्सॉर्बिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। देखो इन्हें सीधी बात इतनी सी बोली है कि अगर उनके पास क्लोरोप्लास्ट जो बी है, अगर उन्हें एक टाइम पे सनलाइट मिल जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाते हैं, और अगर उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट नहीं मिलती है तो ऐसे एनवायरमेंट में वो क्या है, वो हिटरोट्रॉफिक हो जाते हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपना फूड लेना शुरू कर देते हैं। उससे अलग जो स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं, इंजेस्ट करती हैं प्रे को बाई फैगोसाइटोसिस से, ठीक है। वो प्रे प्रेडेटर वाली फिर रिलेशनशिप शो करती हैं फैगोसाइटोसिस से, प्रे को इंजेस्ट कर लेती हैं। अब जो बहुत सारी जो स्टडीज हैं यूग्लिनोइडिया के ऊपर, वो यूग्लिना के ऊपर करी जाती हैं, ठीक है। यूग्लिना क्या है, वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द, यूग्लिना के अंदर क्या होता है, एक रेड स्पॉट प्रेजेंट होता है, या फिर इसने नाम दिया है इसको स्टिग्मा। अब ये क्या करता है रेड स्पॉट, देखो इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं। अब ये जो रेड स्पॉट क्या करेगा, जिस साइड से भी लाइट आ रही है ना, ये लाइट ओरिएंटेड है, जिधर से भी लाइट इसको आती दिखेगी ये फर्दर उसी साइड इसको मूव करवाएगा, ठीक है। जैसे इसने दिया एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल इन द पोंड एंड लेक, एग्जाम्पल ऑफ सोफेस्टिकेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट स्पोर्ट आई सीन इन सम। देखो इसके अंदर यहाँ पे जो ये ट्रांसपेरेंट सा फ्लैजिला है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, पर है इसके पास फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला इसके पास है, लेकिन इसका जो रेड स्पॉट है वो बहुत क्लियरली विजिबल है। तो रेड स्पॉट वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, और रेड स्पॉट का नाम याद रखना स्टिग्मा। अगर यूग्लिना का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा डिटेल में देखो तो देखो यहाँ से इसका फ्लैजिला जो है ये यहाँ से अराइज हो रहा है, ये इसकी पॉकेट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अराइज हो रहा है, इसके अंदर रेड स्पॉट प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टिग्मा के बिल्कुल पास में ही इसका रेड स्पॉट है। देन फोटोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर क्यों क्यों चाहिए, एज बिकॉज ये जो ऑटोट्रोफ है फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसे फोटोरिसेप्टर चाहिए सो दैट कि वो लाइट कैप्चर कर सके, ठीक है। देन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी इसे चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ अदर जो है जैसे कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, अब इसने जो भी खाना बनाया है सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके, तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे इसने बॉडी के अंदर ही इसने स्टोर कर रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, ठीक है, प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन है उनके लिए है, गोल्गी अपैरेटस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, मोस्ट प्रोबेबली एक सिंगल सेल के अंदर सारे के सारे वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि उसे खाना बनाने से लेकर उसे यूटिलाइज करने तक के लिए जरूरी होते हैं। ये तो था हमारा यूग्लिनीडिया। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज एस ए आर क्लैट। अंश वर्मा प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके देन एस ए आर क्लैड, एस ए आर क्लैड के अंदर इसका नाम ऐसा क्यों है, ठीक है, एस ए आर क्लैड के अंदर इसने तीन मेजर ग्रुप हैं प्रोटिस्ट के जो इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे स्टेमेनोपाइलस, एस से स्टेमेनोपाइलस, ए से एल्वोलेटा एंड आर से राइजेरिया, ठीक है। तो ये जो तीनों ग्रुप हैं इनको इसने एक ही ग्रुप के अंदर रखा है, उसको नेमिंग कर दी है एस ए आर क्लैड। ये जो होते हैं ये हाईली डाइवर्स कलेक्शन है प्रोटिस्ट का, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे साइंटिस्ट यहाँ पे कंफ्यूज थे कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन से फाइलम या कौन से ग्रुप, सब फाइलम किसके अंडर रखा जाए, बिकॉज देयर आर वेरी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हर एक के सडनली जो है, पहले उन्होंने तीन तीन वाला निकाला था, ठीक है, थ्री फाइलम निकाला, उसके बाद उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना, देन उनको अगेन उनको एक दूसरे से कंपेयर करना, देन उनको किसी फाइलम किसी ग्रुप के अंदर रखना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम था उन लोगों के लिए, ठीक है। अब तीन इन मेजर ग्रुप्स की बात करें जिसके अंदर स्टेमेनोपाइला जो होता है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक डायटम्स होते हैं या फिर गोल्डन या ब्राउन एल्गीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो प्रोटोजोअन मेंबर्स होते हैं एल्वोलेटा के अंदर प्लेस्ड होते हैं और राइस एरिया के अंदर होते हैं, तो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेमेनोपाइला। स्टेमेनोपाइला क्या होता है, जो मेंबर होता है ग्रुप का जिसके अंदर ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टीज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका, पहली बात तो वो ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो फ्लैजिलेटेड हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो फ्लैजिलेटेड है तो उनके अंदर दो अलग अलग फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग होता है, ठीक है, और एक हेरी होता है, मतलब जो लॉन्ग वाला है वो हेरी होगा, जो बड़े वाला फ्लैजिला उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो दूसरा होता है वो शॉर्ट होता है और स्मूथ होता है, ठीक है। और ये जो दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, मान लो ये जो ऑर्गेनिज्म है अपना, इसके ऊपर ही यहाँ पे एंटीरियर एंड है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट हैं, जो लॉन्ग वाला है ये हेयरी है, ये वाला जो शॉर्ट वाला है ये स्मूथ है, ठीक है, दोनों के दोनों एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्लैड है इसके अंदर ब्राउन एल्गी, येलो एल्गी डायटम्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम प्लास्टिड से, ठीक है, तो प्लास्टिड से एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बिकॉज प्लास्टिड्स आर देयर। अब इस ग्रुप को हम इस यूनिट में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ही बहुत है, इनकी कैरेक्टर्स यहाँ तक तुम लोग याद रख लेना। उसके बाद आते हैं जो ओपन लिड्स होते हैं, ठीक है, वो मॉडिफाइड सीलेट्स कहा जाता है उन्हें, मतलब कि जो सीलिएट्स थे जिनके पास सीलियास प्रेजेंट थे वो ऑर्गेनिज्म, उनको मॉडिफाई करा जाता है, जो कि कमेंसल होते हैं फ्रॉग के अंदर, ठीक है, एंड ऑल्सो प्लेस्ड इन दिस ग्रुप नाउ। अब उन जो मॉडिफाइड सीलिएट्स थे उनको स्टेमेनोपाइला के अंदर ही रखा गया है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी हैज सपोर्टेड द प्लेसमेंट ऑफ हेलिजोन्स जिसके अंदर एक्टिनोफायर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिनोस्फेरियम प्रेजेंट होते हैं जो कि अमीबाज होते हैं, ठीक है। अब फर्दर ये तो था हमारा एस ए आर क्लैड का एस वाला ग्रुप, यानी कि स्टेमेनोपाइलस वाला ग्रुप। देन ए दैट इज एल्वोलाइटा।
इसके अंदर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो एनक्लोज्ड होती है, ठीक है। एनक्लोज का मतलब क्या है कि उसके जो एल्वोलाई है या जो सैक है उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इस ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक और हिटरोट्रॉफिक दोनों टाइप के प्रोटिस्ट प्रेजेंट होते हैं। दैट इज वो प्रेजेंट वो भी हैं जो कि खुद का खाना खुद से बना लेंगे सनलाइट लेके। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि सनलाइट से खाना नहीं बना सकते हैं, उन्हें बना बनाया खाना चाहिए, उन्हें दूसरों का ही खाना यूज करना, बिकॉज उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो जो एल्वोलेटा है या जो स्टेमेनोपाइला था, दोनों के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं जिसके अंदर हिटरोट्रॉफ्स भी हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, ठीक है। अब जो तीन इंपोर्टेंट ग्रुप होते हैं एल्वोलेटा के, फर्दर अभी हम SAR क्लैड के पढ़ रहे थे। अब उसके बाद जो एल्वोलाइटा है फर्दर, उसके तीन ग्रुप हैं। सबसे पहला है फाइलम जो है सीलियोफोरा, ठीक है। सीलियोफोरा क्या होते हैं, वो सीलिएट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सीलिया दैट कवर देम, मतलब इसके नाम से ही आप देख रहे हो सीलियो, सीलियो मतलब कि सीलिया, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है फाइबर्स का काइनेटोसोम्स के साथ, यानी कि जो बेसल बॉडी होती है सीलिया की वो प्रेजेंट होती हैं। अब वो क्या करती है, जो काइनेटोसोम्स होते हैं मतलब सीलिया की बेसल बॉडी, मान लो ये सीलिया है, ये सीलिया है, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये अगर ये सीलिया है तो ये वाला इसका पोर्शन है, बेसल बॉडी है। अब ये बेसल बॉडी क्या करती है, एक इंट्राफ्रेजाइल स्ट्रक्चर मतलब सीलिएचर स्ट्रक्चर बना लेती है पेलिकल के नीचे। दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वॉटर मेराइन हैबिटेट एज वेल एज मोइस्ट सोइल, मतलब कि अगर वहां पे सिर्फ एक मोइस्ट सोइल भी प्रेजेंट है तो भी ये वो लोग प्रेजेंट है, फ्रेश वॉटर में भी प्रेजेंट है, मेराइन हैबिटेट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर फ्री लिविंग पैरासाइट्स एंड सिम्बायोटिक्स, मतलब कि वो मोस्ट प्रोबेबली फ्री लिविंग ही होते हैं, या फिर वो सिम्बायोसिस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या प्लांट के साथ क्या कर रहे हैं, वो एक सिम्बायोसिस परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, वो उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में वो उन्हें शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, व्हाटएवर, बट कुछ ना कुछ दोनों को मिल रहा है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सीलिएट्स यूज्ड एज अ स्टडी मटेरियल इन द लैब्स। अब इसके अंदर जो एल्वोलेटा के अंदर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा लैब्स के अंदर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म यूज करा जाता है, दैट इज पैरामीशियम, ठीक है। वो पैरामीशियम होता है, इसके जो अलग अलग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि दो टाइप की न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक टीनी मैक्रो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, मतलब कि दो न्यूक्लियाई हैं, एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, अब जो इसके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। जो बड़े वाला न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग के लिए, एंड जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डिप्लोइड होता है, इन्वॉल्व होता है ओनली इन द रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो छोटे वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग करवाता है। सॉरी, इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसके पास क्या होता है, स्पेशल टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, जैसे कि कॉन्जुगेशन ड्यूरिंग विच टू सेल्स लाइन अप। अब कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, कॉन्जुगेशन के अंदर मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दोनों इस तरह से साइड बाय साइड आ जाएंगी, यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, ब्रिज फॉर्म करेंगी, मतलब दोनों के बीच में एक ब्रिज बन गया। अब यहाँ से इसका जो जेनेटिक मटेरियल था ब्रिज के थ्रू यहाँ से इसके अंदर पास हो जाता है, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसके अंदर लाइन अप हो जाती है, और जो माइक्रो न्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है, ठीक है, मतलब ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो बना है वो माइक्रो न्यूक्लियाई चेंज करता है, ये याद रखना। इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वन इज माइक्रो एंड अदर वन इज मैक्रो। तो जो मैक्रो है वो क्या करवाता है, वो फंक्शनिंग करवाता है ऑर्गेनिज्म की। तो मैक्रो का जो है वो एक्सचेंज कभी भी नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, एक्सचेंज जो होता है वो ओनली माइक्रो न्यूक्लियाई का होता है, जब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की फॉर्मेशन होती है। देखो ये एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम है, इसने ये दिखा रखा है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट हैं बहुत सारे, ठीक है, इसके अंदर देख सकते हो तुम लेबलिंग के, यहाँ पे इसका गलेट प्रेजेंट है। गलेट से क्या होता है, यहाँ से ये इसका माउथ होता है जहां से भी ये फूड एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, देन एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो है ये फंक्शनिंग के लिए परफॉर्म होता है, यू कैन से कि ये एक वो डीएनए कंटेन करता है जो कि इसकी फंक्शनिंग करवाता है। अब जो मैक्रो न्यूक्लियस है, ये जो छोटे वाला न्यूक्लियस है, इसका क्या काम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होगा,
मतलब कि ड्यूरिंग जब फिर प्रोडक्शन होती है तो इसका एक्सचेंज होता है। देन पेलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, पेलिकल्स प्रेजेंट होता है जो ये है इसका जो एरिया यहाँ पे है, ठीक है। देन पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, यहाँ पे एंटीरियर था, यहाँ पे पोस्टीरियर, मतलब दोनों साइड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्रोटेक्ट है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो भाई तुम्हारा पैरामीशियम है। आगे मूव करते हैं तो जैसे कि फाइलम डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ओशन ड्वेलिंग प्लैंकटोन्स होते हैं। मतलब कि वो प्लैंकटोन्स, प्लैंकटोन्स का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के ऊपर रहते हैं, तो ठीक है। तो ये ओशन ड्वेलिंग्स होते हैं, ओशन में रहते हैं। फ्रेश वाटर ड्वेलर्स होते हैं बहुत सारे जो हैं, इनमें से कुछ होते हैं वो मेराइन वाटर भी हो सकते हैं। अब जो शेल्स होते हैं वो टाइपिकली नेकेड होते हैं, मतलब कि हम उन्हें नेकेड आईज से हम लोग उन्हें देख सकते हैं। उनके ऊपर सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो डिस्टिंग्विश होते हैं उनकी अरेंजमेंट से, मतलब कि उनके जो फ्लैजिला हैं उसके अंदर भी फ्लैजिला तो दो ही प्रेजेंट है, पर हम उनको दूसरों से अलग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह के जो उनका जो फ्लैजिला है वो कैसे अरेंज है। एक फ्लैजिलम जो होता है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट आउट होता है सेल से बाहर की साइड, एंड अदर लोकेटेड इन द ग्रूव ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। मतलब एक जो है वो बॉडी की साइड प्रेजेंट होता है और एक बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। दो फ्लैजिला जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, और शेल रोटेट करती है एंड मूव्स बाय द एक्शन ऑफ द फ्लैजिला। ऑब्वियसली जो फ्लैजिला और जो सीलिया हैं उनका काम क्या है, लोकोमोशन के लिए है, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। तो जो फ्लैजिला होगा वो क्या होगा, वो मूव करवाने में ही हेल्प करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो एक फ्लैजिला है वो बॉडी के बाहर की साइड लोकेटेड होता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो बॉडी के अंदर की साइड से ही लोकेटेड होता है। इवन वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। रफली हाफ ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट स्पीशीज आर प्योरली हेटरोट्रॉफिक, मतलब कि आधे जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक है, आधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद से बना सकते हैं। कि जब उनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो क्या करते हैं, रेड ब्लूम कोज कर देते हैं। आई थिंक रेड ब्लूम समझ में ही आया होगा, एक फिनोमेना होता है रेड ब्लूम, जिसमें अंदर क्या होता है, जो एल्गीज होती हैं वो क्या करेंगी, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अपना, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा देती हैं, और जो भी वो ओशन बॉडी होती है या फिर वाटर बॉडी होती है वो पूरी की पूरी कवर हो जाती है उससे। अब उस कवर होने से क्या होता है, वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है इनवर्टिब्रेट्स के लिए, ठीक है। अब जो टॉक्सिक है तो क्या करेंगे भाई, जो नीचे उसके अंदर जो फिशेज वगैरह थी वो सारी की सारी मर जाएंगी। ऑब्वियसली उसने क्या करा है, उसने पूरी वाटर बॉडी का सरफेस कवर कर लिया। अब वाटर बॉडी का सरफेस कवर हो गया है तो उसके अंदर से ना तो सनलाइट जा रही है, ना ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इनवर्टिब्रेट्स थे जो लिविंग में रह रहे थे उनको प्रॉब्लम होगी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो वहां पे मर जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा में क्या होते हैं, ये जो स्पीशीज होती हैं, ठीक है, वो पैरासाइटिक होती हैं या फिर स्पेशलाइज्ड होती हैं, मतलब कि रिप्रोडक्टिंग रिड्यूस करती हैं एनिमल टिश्यूज को। पैरासाइट्स ऑब्वियसली क्या है, जो एनिमल टिश्यूज है उनके ऊपर लिव करती हैं, जैसे कि स्पोरोजोइट्स, ठीक है, इन्फेक्शियस होती हैं, इन्फेक्टिव स्टेज, जैसे कि स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो मलेरिया, आई थिंक आप सभी लोगों को याद होगा मलेरिया की, ठीक है। तो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं उनके पास एक सिस्टम होता है जिसे एपिकल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। स्पोरोजोइट्स के पास एपिकल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसका नाम है एपिको कॉम्प्लेक्सा, ठीक है। जो यूजुअली क्या करता है, कुछ ऐसे स्टेजेस में प्रेजेंट होता है डेवलपमेंट के अंदर, मतलब जब उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो वो ऐसे स्टेज पे प्रेजेंट होता है जिस टाइम पे एपिकॉम्प्लेक्स एंड पैराजाइट पेनिट्रेट कर पाता है होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब कि स्पोरोजोइट की जो है वो स्टेजेस डेवलप हो रही हैं, एक ऐसी स्टेज आ गई है जिसमें वो क्या कर सकता है, होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। अब उस पेनिट्रेशन से क्या होगा, वो पेनिट्रेट कर सकता है, एपिकल कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर पाता है मेम्ब्रेन से। ऑल्दो एपिकॉम्प्लेक्सेंस आर नॉट फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक, मतलब जो एपिकॉम्प्लेक्सन होते हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, बट दे रिटेन अ मॉडिफाइड प्लास्टिड विच सजेस्ट देयर एल्गल ओरिजिन, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं बट स्टिल उनके पास प्लास्टिड होता है। अब प्लास्टिड होने का मतलब क्या है, कि वो ये दिखा रहे हैं कि वो एल्गल ही है, मतलब कि वो एल्गी ही है ओरिजिन में तो, बट हाँ उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो एपिकॉम्प्लेक्सन होते हैं उनके पास एक बहुत वाइड लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर दो होस्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक होस्ट है
ठीक है, वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले अपना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ साइकिल चलाएगा, वहां से उसका कुछ पार्ट निकलेगा तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा, वहां पे अपना लाइफ साइकिल चलाएगा। इस तरह से वो अपने दो लाइफ साइकिल चलाते हैं। अगर हम इसके फर्दर इसकी क्लासेस देखें, दैट इज ग्रिगेनिया एंड द कोसीडिया। इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेनिया के अंदर मैच्योर गैमोन्स, गैमोन्स का मतलब क्या होते हैं, गैमीट्स। ठीक है, जो इसके जो मैच्योर गैमीट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाते हैं, कैविटी के अंदर। मतलब कि एक टाइप से ये दो लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। ठीक है, गैमीट्स जो हैं इसके दो लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, एक तो पैरासाइट के डाइजेस्टिव गट में जाते हैं कैविटी बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद अपनी लाइफ साइकिल जो है वो एक होस्ट के साथ, ठीक है, मतलब कि एक होस्ट के साथ ही अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि मोनोसिस्टा एंड ग्रेनिया। अगर हम बात करें कोसीडिया की, तो जो मैच्योर गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इसके जो थे लार्ज थे, एक्स्ट्रा सेलुलर थे, ये इंट्रा सेलुलर लाइफ परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर दो होस्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है इसका, दैट इज प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम क्या है, वो मलेरिया कोज करता है। अब मलेरिया के साथ साथ ये क्या करता है, दो होस्ट यूज करता है, वन इज मॉस्किटो एंड अदर वन इज ह्यूमन। ठीक है, इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज एपिकॉम्प्लेक्स एंड टेक्सोप्लाज्मा। टेक्सोप्लाज्मा गोंडी इज अ पैरासाइट ऑफ कैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन। मतलब कि ये भी दो टाइप के जो होस्ट है वो यूज करता है, एक है कैट और दूसरा है ह्यूमन। तो इस तरह से तुम लोग इनके याद नाम सॉरी नाम याद रख लेना भाई, और ये याद रख लेना कि कौन से होस्ट को वो फॉलो करते हैं। मूविंग टू द SAR, ठीक है, SAR के अंदर हमने क्या कर लिया है, स्टेमेनोपाइला कर लिया है, एल्वोलाइटा कर लिया है। इन दोनों के हमने क्लासेस, फाइलम जो भी नए इसके अंडर जो भी इसके पार्ट्स थे वो हमने कर लिए। नाउ मूविंग टू द राइजेरिया। राइजेरिया के अंदर क्या होता है, वो अनरैंक्ड होते हैं। बहुत सारे जो अमीबास होते हैं, मतलब कि राइजेरिया के अंदर बेसिकली अमीबा होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, अब ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो अमीबा का हमें पता है, ये ऑब्वियसली वो शूडोपोडिया की हेल्प से मूव करते हैं। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया तो ठीक है, पर जब अलग अलग टाइप के अमीबाज हैं, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा अमीबा है ये? तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्यूडोपोडिया के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि कौन सा अमीबा है, कौन किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका पहला जो फाइलम है वो है सीरोजोआ। ठीक है, जो लार्ज ग्रुप होते हैं अमीबोइड एंड फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स के ऊपर, उनके पास कुछ कॉमन बॉडी प्लान नहीं होते हैं। जैसे कि हमें पता है अमीबा का कोई फिक्स बॉडी प्लान नहीं है, जैसे ही उसे जिस साइड फूड मिलता है उस साइड अपनी बॉडी को खोल देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, व्हाटएवर जो भी उसकी नीड होती है उस हिसाब से वो चलता है। ठीक है, तो उसके पास एक श्यूडोपोडिया होते हैं। श्यूडोपोडिया ऑब्वियसली श्यूडो मतलब कि फॉल्स होते हैं। ठीक है, मतलब शो उसके पास फॉल्स फीट प्रेजेंट होते हैं, जहां भी उसे फूड मिलेगा उधर से वो उनको निकाल लेगा। अब मेराइन के अंदर भी होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी होते हैं, सोइल इकोसिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत सारे जो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, या जो अदर प्रोटिस्ट होते हैं, वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, एटलीस्ट वन पोलिनेलिया क्रोमेटोफोरा, मतलब कि मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, और उनके पास एक ऑटोट्रॉफ एक एग्जाम्पल दे रखा है इसने, पोलिनिया क्रोमेटोफोरा का एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक लिनिएजेस हैं, और उसके फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरियम से उसे मिलते हैं। देखो इसने एग्जाम्पल दिया था पोलिनिया क्रोमेटोफोरा। क्रोमेटोफोरा ये रहा इसके अंदर, इसका ये ऊपर से ये इसका थिक्का प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो इसने फाइलोपोडियम निकाल रखा है, यहाँ पे ये थोड़ा डिसअपियर्ड है बट थोड़ा सा शो हो रहा है। अब इसके अंदर इसने ये इसका प्रोसेस दिखा रखी है कि किस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है। क्रोमेटोफोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका फाइलोपोर प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके ऊपर सीलिया स्केल्स आ जाती हैं। इस सीलिया स्केल से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इस तरह से फैलना शुरू कर देता है, फिर यहाँ पे इसने ये पूरा पोर्शन क्रिएट कर दिया। पोर्शन क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, ये जो एक जो न्यूक्लियस था वो इसके अंदर इधर फर्दर मूव करना शुरू हो गया। अब यहाँ पे फाइनली ये दो में डिवाइडेड हो गए, और यहाँ से टूट जाएंगे तो ये पूरे के पूरे इसका तरह से रिप्रोडक्शन करेगा और आगे फर्दर मूव करके दो बन जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फाइलम फोरामिनिफेरा। अब इसका जो दूसरा फाइलम है वो फोरामिनिफेरा है। जो फोरामिनिफेरा होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म्स होती हैं नेम्ड फॉर देयर पोरस शेल कॉल्ड टेस्ट्स दैट आर हार्डन विद कैल्शियम कार्बोनेट्स। मतलब कि अभी इसका नाम हमने फोरामिनिफेरा क्यों रखा है, इसने बोला इनके पास एक फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं जिनको, मतलब उसके अंदर पोरस सेल्स प्रेजेंट होती हैं
अब उन पोरस सेल्स का नाम क्या है जिन्हें टेस्ट्स कहते हैं, और ये क्या होती है, हार्डन होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। दी शेल्स में भी चैम्बर्ड और सिंगल चैम्बर्ड, मतलब अब ये जो शेल्स होती हैं वो मल्टीलोबुलर भी हो सकती है, मतलब उनके अंदर अलग अलग लोब्स भी प्रेजेंट होती हैं, या फिर यूनिलोबुलर भी हो सकती हैं, एक चैम्बर भी होता है, या अलग अलग कई चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, इन टेस्ट्स के अंदर। जो चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर पार्टीशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ये अलग अलग करने के लिए उनके बीच में पार्टीशंस प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल अपर्चर फॉर फोरमेनिया हेंस द फोरामिनिफेरा। अब वो जो स्मॉल अपर्चर है जो उनको अलग अलग कर रहा है उसने उसे बोला फोरामिना। देखो फोरामिनिफेरा नाम रखने के लिए इसे कई सारे टर्म्स दे दिए हैं। यहाँ पे इसके अंदर इसने बोला कि टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट जो है वो एक टाइप की फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। अगर उसके बाद फिर उसने बोला वो टेस्ट जो है वो फर्दर डिवाइडेड होती हैं। अगर हम बात करें मल्टीलोक्युलर की, अगर हम बात करें मल्टीलोक्युलर, अब ये क्या होती हैं जिन्हें फोरामिनिफेरा इसलिए इनका नाम रख दिया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फिल कर देते हैं ऑल द चैम्बर्स इन द शेल्स, जो सारे के सारे। अब इसने जो मान लो इसने बहुत सारे चैम्बर्स बनाए हैं इस सेल के अंदर, अब उसके बाद क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे अलग अलग चैम्बर्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, या फिर ये इनको इसके अंदर रखेगा, तो इस वजह से सारे के सारे चैम्बर्स जो है वो फिल हो जाते हैं। मैनी ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फोटोसिंथेटिक एल्गी। अब ये जो फोरामिनिफेरा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप को क्या करवाते हैं, सिम्बायोसिस में चलवाते हैं फोटोसिंथेटिक एल्गी के साथ, जो कि उनके टेस्ट के अंदर रहती है, फ्रेश वाटर या मैरिन वाटर के दोनों के अंदर पाई जाती है। 90% ऑफ ऑल नोन फॉर्म स्पीशीज आर आल्सो फाउंड इन फॉसिल्स एंड फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द लैंड एंड मैरिन सेडिमेंट्स। यानी कि इसके जो 90% ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉसिल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, या जो सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट थे लैंड के ऊपर उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉसिल्स का मतलब आई थिंक आप लोग समझते ही होंगे, पहले के जो किसी टाइम पे कोई चीज रही होगी जो एक टाइम पे आके किसी ने किसी वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से खत्म हो गई है, मे बी अगर हम आज के टाइम पे फिर उन्हें ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो उन्हें फोसिल बोला जाता है कि ये इतने साल पहले थे, जिसकी वजह से हम उनकी कई सारी अलग अलग टेक्निक है उनकी एज पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग वगैरह करके, कि इतने पहले, इतने टाइम पहले ये रही होगी, इसके अंदर कौन से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब उनकी जो प्रेजेंस होती है फोसिल्स की वो सर्व करती है एज अ मार्कर फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो फॉसिल्स प्रेजेंट है किसी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इतने टाइम पहले इसकी सेडिमेंट्री रॉक प्रेजेंट रही होगी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल दे रखा है गोल्बेनिया स्पीशीज का, थ्रेड लाइक सूडोपोडियस प्रेजेंट होते हैं इसमें, तुम लोग देख सकते हो इसके चारों तरफ, दे स्टार्ट इन वन शेल एंड एज दे ग्रो देयर डेवलप मोर चैम्बर्स। उसके बाद क्या होते हैं, पहले वो एक ही चैम्बर होता है, जैसे यहाँ पे मान लो सिर्फ ये एक है, देन फर्दर वो ग्रो होते जाएंगे और अलग अलग चैम्बर्स बना लेंगे, बहुत सारे चैम्बर्स बना लेंगे। अब बी में इसने दिखाया कुछ फॉर्म होती हैं शेल्स की जिसके अंदर मल्टी चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, मान लो इसके अंदर कुछ इस तरह से चैम्बर्स डिवाइडेड है। अब ये जो सेल है चैम्बर्स डिवाइडेड है, हर एक के अंदर अलग अलग टाइप के जो वो हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, और ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो कैम्ब्रियन पीरियड से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो रेडियोलेरिया वाला है ये भाई हम कल कर लेंगे, आई थिंक केमिस्ट्री वाले बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सो अभी तक का जो है वो तुम लोग ध्यान से कर लेना। रेडियो लहरी जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।